बताइए क्या आपका इवेंट आने वाला है, अस्सलाम क्या वालेकुम है इसका? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल मस्जिद एंड मूवमेंट इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुल्क भर में 10 शहरों में फ्रेंचाइजी डीलरशिप एंड इन्वेस्टर्स एक्सपो कर रहे हैं। इसके ज़रिए से हमारा मेन मोटो है 10,000 नए एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट किया जाए और 1,00,000 जॉब्स को क्रिएशन किया जाए। इसके साथ में है मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, लारीबा चैम्बर ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मॉम मार्केटिंग, इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ एनजीओस, ये सब लोग मिलके ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पहला एक्सपो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हुआ और सेकेंड एक्सपो बैंक मुंबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारे हज़ारों तादाद में इन्वेस्टर्स आए थे और बहुत सारे कंपनीज़ का साथ जुड़े हैं, पार्टनरशिप बनाए हैं, उसका फ्रेंचाइजी डीलरशिप ले लिया है। ओनली सिर्फ हैदराबाद में ही 3,255 लीड्स जनरेट हुआ है एक ही शहर में। ऐसे ही मुंबई में भी 2,000 से भी ज़्यादा लीड्स उधर जनरेट हुआ है। और तीसरा एक्सपो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 26-27 को नालापाड़ पेविलियन पैलेस ग्राउंड मेकरी सर्कल में करने जा रहे हैं। इसमें भी तकरीबन 100 कंपनीज आ रहे हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन है तकरीबन 3,000 से 4,000 इन्वेस्टर्स भी इधर पार्टिसिपेट करेंगे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा इंशाल्लाह सब लोग इसमें आ जाइए और इसमें इन्वॉल्व हो जाइए और अपना खुद का बिज़नेस शुरुआत कर लीजिए। इसके ज़रिए से आपका बिज़नेस भी 10 गुना बढ़ा सकते हैं और ये प्योरली B2B एक्सपो है इंशाल्लाह। इसमें कोई B2C एक्सपो नहीं है, सिर्फ बिज़नेस टू बिज़नेस है। इधर 1 रुपये का सेल्स नहीं रहेगा लेकिन फ्रेंचाइजी डीलरशिप एजेंसी आप लोग इसमें ले सकते हैं इंशाल्लाह। और इसके लिए स्टॉल बुकिंग करने के लिए या इसके साथ इसका पासेस के लिए नीचे दिया हुआ नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर क्या स्टॉल्स के लिए वहाँ पर कुछ चार्ज रहे? यस, स्टॉल्स के लिए भी चार्जेस रहेंगे क्योंकि इसके लिए एक एक्सपेंसेस है, लाखों तादाद में एक्सपेंसेस ज़रूरत पड़ता है। इसमें हम लोग जो इसका एन बेनिफिशियर्स है ये कंपनीज़ जो इसमें स्टॉल लगाने वाले हैं उनके साथ हम लोग फीस भी इसके फिक्स किए हैं और लेकिन विजिटर्स को इसे फ्री पास डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सर स्टॉल्स में बोले तो क्या क्या चीज़ रहेगी सर? देख स्टॉल में ये वो स्टॉल में 3 मीटर बाई 3 मीटर का स्टॉल है, नियर लैंडर्स का फिट रहता है, टेबल चेयर्स मिलेगा, एसी रहेगा और प्लग पॉइंट्स पर प्लग पॉइंट्स ये सब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। स्टॉल्स में क्या क्या चीज़ें रहेगी? स्टॉल्स पे इंशाल्लाह अप्रेल्स है, एग्री प्रोडक्ट्स का है, वेलनेस का है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से तकरीबन 30 सेक्टर्स से स्टॉल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मुल्क भर से आ रहे हैं आपका कश्मीर से लेके केरला तक का कंपनीज उसमें आपको देखने मिलेगा इंशाल्लाह। वहाँ पर आप ये अपने जॉब के बारे में बताएं, जॉब के बारे में देखिए जॉब मिले वो उधर स्पॉट पर क्या भी जॉब रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन जब इसका फ्रेंचाइजी ये 10,000 एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो जाते हैं ना ऑटोमेटिकली 1,00,000 जॉब्स क्रिएशन होता है। कम से कम हमारा एक्सपेक्टेशन है ये 10 शहर में जब एक्सपो हो जाएगा अगले 3 साल में 50,000 करोड़ रुपये का टर्न ओवर भी इसमें हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सर 26 और 27 को जो है सवेरे से कब रहेगा? और ये मॉर्निंग 11 o'clock टू इवनिंग 8 o'clock तक रहेगा इंशाल्लाह। कहाँ पर है? नालापाड़ पेविलियन पैलेस ग्राउंड मेकरी सर्कल बैंगलोर। टॉल्स के अगर बुक करना है या पासेस के लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। रेडी? और इसमें देखिए इसमें 4 कैटेगरी के लोगों को इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। दूसरा है एक पेरेंट्स को 2-3 बच्चे रहते हैं उनको आप हर एक बच्चे का अलग अलग बिज़नेस सेटअप करने रहता है सेटअप करके देने का रहता है उनको भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा है NRIs और जो थोड़ा कुछ पैसा बचा के रखे हैं उनके लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं लोग थोड़ा कुछ NRIs या थोड़ा कुछ पैसा बचा है एंड ऑफ द डे पोंजी स्कीम्स IMA हीरा गोल्ड जैसे इसमें पैसा लगा कर अपना पैसा गंवा लेते हैं। इधर आप क्या कर सकते हैं आपका खुद का पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं। एक बड़ा बड़ा जो कंपनी है जो सिस्टमेटिक कंपनी चला रहे उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और उसका फ्रेंचाइजी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन लेके वो सिस्टम आप फॉलो इन हो सकते हैं। आपका खुद का पैसा आप खुद मैनेज कर सकते हैं, पैसा प्रॉफिट हुए तो आपके लिए नुकसान होते हुए आपके लिए। और चौथा है न्यू एंटरप्रेन्योर जो नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो लोग भी उधर आ सकते हैं। एक बड़े बड़े कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं इंशाल्लाह। तब आप ये 4 कैटेगरी लोगों के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें सबसे गुजारिश एक वन से मैं कर रहा हूँ आप सब लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये मुल्क में 4 लाख से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज है उसमें 1% भी एक होम का नहीं है। तो यहाँ पर कोई मज़हब का कोई ऐसा कुछ नहीं, इसे ओपन टू ऑल सब लोग आ सकते हैं। यस, ओपन टू ऑल कम्युनिटी।